जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माय सेल्फ सत्यवान मौर्य एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट क्लास 12 फिजिक्स लेक्चर द फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके पहले हम लोगों ने गॉसस लॉ के एप्लीकेशन को स्टडी किया था और फोर्थ एप्लीकेशन को देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं गॉसस लॉ का फिफ्थ एप्लीकेशन, और जिसमें स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, जैसे अपने पास क्या है, स्फेरिकल शेल है, इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है, इसके आपका केवल बाहर आपका सरफेस पर ही चार्ज था, केवल सरफेस पर आपका चार्ज था, अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, केवल बाहर। तो इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने देखा था सरफेस पर कितना होता है और अंदर कितना होता है। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने इसके बारे में पूरा देख लिया है। आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे, आज हम लोग जो स्टडी करेंगे, जैसे अपने पास है पूरा, तो अब इसके अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ध्यान से देखिएगा। इसके पहले हम लोगों ने देखा था केवल सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आज हम लोग देखेंगे जब हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा, पूरे वॉल्यूम में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके कारण आपके इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितना होगा, अंदर कितना होगा, इसके सरफेस पर कितना होगा। तो आज हमारा टॉपिक ये है वॉल्यूम, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आवर टॉपिक इज दिस। ओके, तो अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, इसको सिस्टम से करते हैं। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ गॉसस लॉ। तो क्या है उसको देखते हैं, हेडिंग फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ गॉसस लॉ में लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज सॉलिड स्फीयर। हमें क्या करना है, एक सॉलिड स्फीयर के कारण जब आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको देखते हैं। हेडिंग आप लोग ये डाल दीजिए, प्लीज मेक द हेडिंग। अब इसको कैसे, अगर एग्जाम में आ गया तो फिर कैसे इसको लिखेंगे, तो पहले राइटिंग एबिलिटी को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। अच्छा, पीछे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट की बहुत सारी चीजें की थी, कब गॉसस लॉ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो अब वो सारी चीजें पीछे वाले लेक्चर्स में देख लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे और यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे, अब ज्यादा लिखने वाला काम नहीं होगा, तो इसलिए इसको देखते रहिए। पिछला लेक्चर आप देख लीजिए, आपको सारी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी। हेडिंग ये डाल दीजिए, इसको हटा रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेट वी हैव ए सॉलिड स्फीयर हैविंग रेडियस कैपिटल आर एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी कितना है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, लिखते हैं हमारा कितना है रो, एंड टोटल चार्ज इज क्यू। तो क्या है इसको देखिए, ये हमारे पास एक स्फीयर है और ये पूरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसकी रेडियस कितनी है आर, इफ आर इज द रेडियस, और पूरा का पूरा आपका चार्ज यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका। ओके, तो ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी डेंसिटी कितनी है रो, इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है, बाहर देखते हैं कितनी होती है, उसके बाद अंदर आपका सरफेस पर कितना होता है, फिर इनसाइड का स्फीयर कितना होता है। क्वेश्चन उठता है कि हम लोग जब गॉसस लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग इन चीजों को क्यों पढ़ रहे हैं। नेचर में आपके पास कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि जब आपके पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है,
वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आपका कैसे होता है, देखिए आपका पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके बाद ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर आपके ऑर्बिटल्स होते हैं एटम्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके क्या करते रहे, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो अब न्यूक्लियस के अंदर आपका पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन आप चार्ज है वो यूनिफॉर्मली है। यहाँ देखिए अंदर प्रोटॉन पाया जाता है, तो अंदर आपका न्यूक्लियस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे वही चीज हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग अब जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हर बार हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके एनालिसिस नहीं करेंगे, हम इस पूरी की एक फिजिक्स बना लेते हैं और पूरी पूरी फिजिक्स एक साथ अप्लाई करेंगे। तो वही काम हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, यहाँ पूरे सिस्टम के कारण हम लोग फिजिक्स डेवलप कर रहे हैं। जब भी हमें स्फीयर दिखेगा तो डायरेक्ट हम इसी का फार्मूला ही लगाएंगे। अब वहां पे हम लोग बार बार नहीं करेंगे किसके कारण ये इतना होगा, फिर इतना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इतना होगा, फिर उसको वेक्टर सम करेंगे। पूरा पूरा डायरेक्ट फिजिक्स ही उठा के यही वहां पे अप्लाई करते हैं और डायरेक्ट रिजल्ट निकाल लेंगे। ओके, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पूरा जो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो देखिएगा, और जैसे अगर आपने इसको दे दिया, जैसे आपका ये इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर में जब आप चार्ज पुट करते हैं तो वो चार्ज को फ्लो नहीं कराता है। इंसुलेटर ऐसा मटेरियल होता है जिसमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है। तो जब आप उसमें चार्ज रखेंगे कहीं पे भी, तो वो जहां रखेंगे वहीं पड़ा रहेगा आपका। तो अगर आपका एक पूरा स्फीयर और इंसुलेटर के अंदर आपने चार्ज डेवलप कर दिया, तो उस पूरे स्फीयर के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी, अंदर होगी, सरफेस पर होगी, तो उसका अगर हमें पता करना है तो उसको कैसे पता करेंगे, इस आपके ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसकी हेल्प से। ठीक, चलिए देखिए, तो हमारे पास क्या है, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो और इसका रेडियस कितना है आर, और ये पूरा हमारा स्फीयर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे देख लीजिएगा। लेट वी हैव दिस, देन केस फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें इस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है, टोटल चार्ज कितना है सिस्टम का क्यू, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अब वो सब आप लिख लीजिएगा, वी फर्स्ट कंस्ट्रक्ट गॉसियन सरफेस हैविंग रेडियस दिस दिस। मैं डायरेक्ट अब इसको बना रहा हूं, ध्यान से देखना, और ये आपका आर डिस्टेंस है सेंटर से, दिस डिस्टेंस इज आर फ्रॉम द सेंटर। तो हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे, एक गॉसियन सरफेस बना लिए। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है क्यू, क्यू चार्ज है, तो टोटल फ्लक्स लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिएगा, वी फर्स्ट कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस हैविंग रेडियस स्मॉल आर एंड देन वी अप्लाई द गॉसियन लॉ, सो टोटल फ्लक्स टोटल फ्लक्स फाइव ई इसकल टू कितना होता है, टोटल चार्ज अपॉन एप्साइलेंट नॉट, टोटल चार्ज अपॉन एप्साइलेंट नॉट। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, फाइव ई, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट मैग्नीट्यूड सबका बराबर होगा, आर पॉइंट हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और रेडियस का डायरेक्शन कितना होगा, यही होगा, यही ये आर का वेक्टर, आर का और ये वेक्टर ई का डायरेक्शन है। तो इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेम होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ डी एस कॉस जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही है और जो इसका वेक्टर है उसका भी डायरेक्शन यही है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ई बाहर ले लेते हैं और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और हमारे पास क्या बचता है, ds q upon epsilon naught, और ds की वैल्यू कितनी होगी, ds की वैल्यू ये जो r रेडियस का स्फीयर है r square, तो 4 pi r square, इसके प्लेस पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 4 pi r square, so e into 4 pi r square is equal to q upon epsilon naught, e is equal to q upon 4 pi epsilon naught into r square। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैव द टोटल चार्ज q एट पॉइंट एट दिस स्पॉट, इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल गया इतना। अब देखिए ये एक्सप्रेशन ऐसा लग रहा है जैसे ये पॉइंट चार्ज कहां पे रखा हुआ q, जैसे एक पॉइंट चार्ज q लिया है हमने और वो इसके सेंटर पर रखा हुआ है,
तो फिर से हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन आ गया जैसे पॉइंट चार्ज इसका, तो इसका मतलब इस वॉल्यूम चार्ज को हम कैसा ट्रीट कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज। अब जब पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग स्फीयर के केस में भी डायरेक्ट कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। और डिस्टेंसेस कहां से लेंगे, सेंटर से। अगर आप पॉइंट चार्ज यहां से ट्रीट कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी यहां से लिया जाएगा। इस बात को ध्यान से देखिएगा, E is equal to Q upon 4 pi epsilon into R square। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, ऐसे देखिए वेक्टर E is equal to हो जाएगा mod of E into E cap। तो mod of E के केस में ये पुट कर देंगे 1 upon 4 pi epsilon not Q upon R square R cap। जो E cap का डायरेक्शन है वही R cap का भी डायरेक्शन होगा। तो E के प्लेस में हम लोग क्या पुट कर दिए, एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गया। प्लीज नोट इट डाउन, एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गया। अब हम लोग चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है रो, एंड वी नो दैट रो इस कंट्री कितना होता है, क्यू अपॉन फोर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यू। तो क्यू के प्लेस में क्या पुट कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू रो इनटू 4 अपॉन 3 पाई कैपिटल आर क्यू। अब क्यू की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने ये रिलेशन बताया है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम इस स्फीयर का रेडियस आर है, कितना होता है स्फीयर का 4 अपॉन 3 पाई आर क्यू। तो क्यू की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए इस कल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये पूरी वैल्यू क्यू यहां पे रो इनटू 4 पाई आर की पावर 3 अपॉन 3 ये वाला, और अपॉन आर स्क्वायर 4 पाई से 4 पाई ये वाला कैंसिल हो गया, आपको कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस कल टू रो कैपिटल आर की पावर 3 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर इनटू आपका आर कैप। This is the expression of the electric field कब, जब हमारा point case first में, जब हमारा point कब था R greater than capital R। तो ये electric field कब के लिए आ गया, जब हमारा point बाहर होगा इस वाले sphere से, clear। तो ये हमने electric field का expression find out कर लिया है, इसको आप लोग note कर लीजिए, okay। This is the expression of the electric field, इसको याद रखिएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर पावर 3 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं केस सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, जब आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसको देखेंगे। तो इस एक्सप्रेशन में स्मॉल आर की प्लेस पर कैपिटल आर पुट कर देंगे तो सरफेस पे आ जाएगा। चलिए केस सेकंड, इसको हटा रहा हूं मैं, केस सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड केस सेकंड एट सरफेस, जब आर इज इक्वल टू आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है एक्सप्रेशन के, वी है तो ई पुटिंग इसको इक्वेशन नंबर ऑफ 1 2, putting small r is equal to capital R in equation 2, we have E is equal to E कहाँ पे, E capital R small r is equal to capital R rho capital R power 3 upon 3 epsilon naught capital R square, small r के प्लेस पे capital R रखेंगे, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया 2 आर से, तो आपने पास क्या रह गया रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ओके। वी लेफ्ट विद रो इनटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और ई, और ये आर कैप चलता रहेगा, ई इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड when our point is as at the surface, okay,
जब हमारा पॉइंट सरफेस पे होगा तो ये वाला एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा, तो इसको नोट आप कर लीजिए। केस थर्ड में हम लोग चलते हैं, बाहर का पॉइंट तो हो गया, अब सरफेस का भी पॉइंट हो गया, अब हम लोग अंदर वाले पॉइंट पे चलते हैं। अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा इस पूरे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, तो इसको थोड़ा सा लॉजिकल वे में हम लोग समझेंगे। तो आई एम रिमूविंग इट, इसको बगल लिख लेते हैं क्योंकि लास्ट में हमें ये काम आएगा। चलिए इसको मैं हटा रहा हूं, ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा साइड में लिखना पड़ेगा। ई इक्वल टू रो आर पावर 3 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास क्या है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब हम लोग देखते हैं थर्ड वाला केस, थर्ड केस, थर्ड केस थर्ड में क्या है, व्हेन पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर दैट इज आर लेस देन आर। अब हमें उस पॉइंट पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, अब हमें इस पॉइंट के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। अब देखिए, अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक अपना गॉसियन सरफेस बनाएंगे, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस प्लॉट करेंगे जिसका रेडियस स्मॉल r है और r हमारा लेस देन है कैपिटल R। एक हमने अपना यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना लिया, देखिएगा अब ये गॉसियन सरफेस पूरे वॉल्यूम चार्ज को दो पार्ट में स्प्लिट करेगा, एक पार्ट इस सरफेस से बाहर चला जाएगा जैसे ये पूरा है, दो पार्ट में बढ़ गया, कुछ चार्जेस अंदर आ गए और कुछ चार्जेस बाहर चले गए, जैसे ये देखिए कुछ चार्जेस बाहर चले गए। ओके, तो कुछ चार्जेस बाहर और कुछ चार्जेस अंदर, तो गॉसियन सरफेस जब भी हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये हमारा गॉसियन सरफेस है, तो गॉसियन सरफेस में जब टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो इसमें जो टोटल चार्ज हम लोग लेंगे, टोटल चार्ज की जो वैल्यू आएगी वो बाहर वाले चार्जेस कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो केवल इनसाइड वाले चार्जेस को ही कंट्रीब्यूट करेंगे। तो गॉसियन लॉ में कौन से चार्ज आपके केवल पार्टिसिपेट करेंगे, द चार्ज दैट लाई इनसाइड द सरफेस, आपका जो अंदर की तरफ जो सरफेस आपका होता है, जो चार्ज होता है उसी को ये केवल क्या करेगा, वहां पे गॉसियन लॉ में अप्लाई होते हैं। तो अब इसके अंदर कितना चार्ज है ये हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो इसको देखो टोटल, अब आप वो लैंग्वेज लिख लीजिएगा, वी फर्स्ट कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस विच इज हैविंग रेडियस आर लेस देन आर इज लाइक दिस, ये हमारा गॉसियन सरफेस। तो टोटल चार्ज लाइज इनसाइड द, ध्यान से देखिएगा हमें केवल वही चार्जेस चाहिए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब वो बाहर निकालेंगे तो बाहर वाले चार्जेस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे, बाहर वाले चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल यहाँ पे जीरो हो जाएगा, केवल अंदर वाले चार्जेस के कारण ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेंगे, और डायरेक्शन आपका यही होगा रेडियल के डायरेक्शन, यहाँ निकालना है तो यहाँ निकालना है तो यहाँ होगा। ओके, बाहर वाले चार्जेस के कारण जीरो हो जाएगा, तो ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन होता है टोटल कितना चार्ज है उसको निकालना है, टोटल चार्ज लाइज इनसाइड द आपका गॉसियन सरफेस, इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना होगा, चार्ज डेंसिटी रो है तो टोटल चार्ज आपका है, टोटल चार्ज आपका क्यू डैश इक्वल टू हो जाएगा चार्ज डेंसिटी इनटू 4/3 πr³। आपका एक, अगर आपका एक डेंसिटी इतना है तो इतने वॉल्यूम में कितना होगा, तो इतने वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा, तो क्यू डैश इसका टू आपका हो जाएगा, यही पूरा हमारा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, तो टोटल कितना चार्ज इस स्फीयर के अंदर है, इतना। ओके, और रो इसका टू आपका क्या होता है, और रो इसका टू क्यू अपॉन 4/3 πr³, और चार्ज टोटल चार्ज क्यू है तो चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा ये। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, सो टोटल फ्लक्स फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्लोज
वेक्टर E डॉट ds इक्वल टू टोटल चार्ज इंफ्लोज्ड बाय द सरफेस, तो टोटल चार्ज ये वाला इंफ्लोज होगा q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसके अंदर, क्योंकि हम लोग गॉसियन लापलास इसके इसके बारे में कर रहे हैं q डैश, तो phi E इक्वल टू आपका E डॉट ds सॉरी E ds cos 0, क्योंकि ds का भी डायरेक्शन इस वाले सरफेस का डायरेक्शन किधर है, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन आपको किधर होगा, इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0 नॉर्मल वेक्टर, तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा cos 0 एंगल, अब q डैश के प्लेस में हम लोग रो इनटू 4 अपॉन 3 पाई स्मॉल r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं, अच्छा E यहाँ पे देखिए, E हर सारे पॉइंट पे क्या होंगे बराबर, E will be equal at all the points lie inside, lie at the surface, तो देखना, E close integral ds is equal to rho into 4 pi r power 3 upon 3 epsilon naught, इसको सॉल्व करिए, अब ds के प्लेट पे ds के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे 4 pi r square सरफेस एरिया E into 4 pi small r square is equal to, क्योंकि हमें ये वाला पूरा एरिया लेना है, तो 4 pi r square rho into 4 pi small r power 3 3 epsilon naught, तो 4 pi r square से 4 pi 1 r cancel, केवल एक ही r यहाँ पे बचेगा, we have only one r, E is equal to rho into r upon 3 epsilon naught rho into r upon 3 epsilon naught, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, किसके कारण, इस चार्ज के कारण और आपका अंदर किसी पॉइंट पर फॉरेन चार्ज के कारण, बाहर वाले चार्ज कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं शो करेंगे, केवल अंदर वाले चार्जेस के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ओके। तो किसी भी पॉइंट के जैसे ही आपका है तो इसके अंदर कितने चार्जेस है वही केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पर बताएंगे, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है उसके अंदर कितने पॉइंट है वही इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे तो कैसे होगा, वेक्टर E इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर E, E कैप का डायरेक्शन वही है जो डायरेक्शन r कैप का है, सो E कैप के प्लेस में हम लोग r कैप पुट कर सकते हैं, मॉड ऑफ V के प्लेस में ये पुट कर सकते हैं, रो इंटू r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r कैप, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ओके। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों पॉइंट पे फाइंड आउट कर चुके हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारा r लेस देन इस कैपिटल r है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी इसको नोट करिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप वीडियो को रोक के, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए समराइज करते हैं, एक साथ सबको लिखना चाहेंगे तो कैसे होगा, E is equal to, अब इसको फंक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखिएगा, E is equal to आपके पास वो आपका क्या है, रो कैपिटल R की पावर 3 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर, कब होगा जब R ग्रेटर देन R होगा, ओके। जब हमारा पॉइंट बाहर था तो आपका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया इतना, और जब हमारा पॉइंट क्या है आपका रो इंटू R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, जब r इज इक्वल टू r है और rho इनटू r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट जब r लेस देन r है, अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, देख लीजिए यहां पे पूरा, और सेंटर पर अगर हम लोग सेंटर पर चले तो r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 पे सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा r इज इक्वल टू 0 पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहां 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, क्लियर। दिस इज आवर फंक्शन फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे वैरी करता है जब आपके पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो। अब हम लोग इसके ग्राफ को थोड़ा सा प्लॉट करते हैं, देखते हैं हाउ द ग्राफ प्लॉट्स,
ग्राफ, अब एक टर्म्स का ग्राफ, जैसे ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज आवर आर, दिस इज आवर आर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सेंटर से ये पॉइंट आपका क्या है, सेंटर। अब यहां पे आपका कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, और अब सेंटर से हम लोग जा रहे हैं सर्कमफेरेंस पर। अगर आपका यहां से सेंटर से आप बाहर जा रहे हैं तो ये सरफेस पर आप पहुंच गए, तो वही चीज है यहां से आर, आर इक्वल टू आर का मतलब सरफेस पर। अब जब हम अंदर थे, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जब अंदर थे आर लेस देन आर, फील्ड कैसी थी, फील्ड आपकी कैसी थी, रो इनटू स्मॉल आर वहां की एप्सिलॉन। तो देखिए ई प्रोपोर्शनल आर, ई आपका आर के प्रोपोर्शनल है, मतलब आर वैरी करेंगे तो उसी हिसाब से लीनियरली ई वैरी होगा। तो रिलेशन कैसा होगा, तो यहां पे अगर कोई पॉइंट आप ले लीजिए तो आपका आपके इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम लीनियर ऐसे चलेगी, लीनियरली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लीनियरली, कहां तक, जब तक हम लोग सरफेस पर नहीं पहुंच जाते। सरफेस पर पहुंचने के बाद आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, रो इंटू आर अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट। सरफेस के बाद अब इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आर के हिसाब से कैसे वैरी कर रही है, वन अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से, तो वन अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से वैरी कर रही है। तो अब इसके बाद हमारा ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे आवर ग्राफ विल गो लाइक दिस। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए मैक्सिमम है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट दिस पॉइंट एंड देन डिक्रीजेस वेरी फास्ट, और यहां से आप तक लीनियर तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हुआ, ध्यान से देखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोपोर्शनल आर, और यहाँ ई प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर स्क्वायर, और ये हमारा रीजन है जब आर लेस देन आर है, और ये हमारा रीजन है जब आर ग्रेटर देन आर है। ओके, तो यहां से यहां तक आर आपका लेस देन आर और ग्रेटर देन आर, और दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। तो ये हमारा ग्राफ था और ये हमारा ट्रीटमेंट था, और ये पूरा फंक्शन फॉर्म में हम लोग इसको लिख लिए। इसको आप एग्जाम में ये काफी बार पूछा भी जाता है, इसको डायरेक्ट आप देखते चलिए। ओके, अच्छे से इसको आप लर्न कर लीजिए, लर्न क्या सीखना है आपको, तो ये सारी चीजें अभी हम लोग इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस लगाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आपको बस थ्योरी पूरा आपको जो है कंप्लीट करना है, समझना है कैसे होता है, और जब थ्योरी पोर्शन हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे न्यूमेरिकल धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगे, उसके लिए मैं हूँ, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और लैंग्वेजेस अब मैंने इसको सिखा दिया है तो धीरे धीरे हम और भी सीखते रहेंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में भी आपको लिखना पड़ेगा, जहाँ पर भी सब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे वहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा। आप इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चंस पे और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए भी अभी वर्क करने वाले हैं। बस ये जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, तो उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे उस पर भी, ठीक है। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब मिलते हैं हम लोग जो है अगले लेक्चर्स में और नई चीज़ों के साथ, फिर हम लोग दूसरे मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे ही डिस्कशन करेंगे, लेकिन अगले टॉपिक और नए तरीके के साथ। चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू एंड थैंक यू।